कौन सी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेची जा सकती है। तो उस ज़माने में जब मैंने बेली सिटी शुरू की थी तो उस वक्त तो ऑनलाइन बिज़नेस का यहाँ पाकिस्तान में कोई रिवाज ही नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन उसमें एक चीज़ थी कि जब मैंने नेटोफोन डिवाइसेस वेबसाइट पे की और उसका जब रिस्पांस आना शुरू किया तो मेरा जहन और मेरे दिमाग ने मुझे कहा कि जी यूनिक प्रोडक्ट्स अगर मैं वेबसाइट पर रखूँ तो उसकी वजह से जो है वो इम्प्रूवमेंट भी आ सकती है और मेरा बिज़नेस ग्रो कर सकता है। उस वक्त डेस्कटॉप का ज़माना था और लैपटॉप्स जो थे वो बहुत कम शॉप्स पे अवेलेबल थे और वो बहुत कॉस्टली थे। तो जो वेंडर्स यहाँ पे काम कर रहे थे उनके साथ मैंने ये आइडिया शेयर किया कि अगर वो मुझे अपनी लिस्टिंग दे दें और मैं उसको अपनी वेब पे अपडेट करूँ तो उस पर वो राज़ी हुए और उन्होंने मेरा एक कमीशन सेटल किया। तो उनके जितने भी लैपटॉप्स होते थे वो मैं उनसे एक लिस्ट लेके और वेबसाइट पर उसको अपडेट किया करता था। तो उस वक्त जो हॉट वेब प्रोडक्ट जो आप कह सकते हो वो लैपटॉप थे। और अब अगर आप बात करो तो अब ऑनलाइन बिज़नेस में अगर आप इस वक्त शुरू करना चाहो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इजीली जो है वो वेब के थ्रू सेल कर सकते हो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इवन आप सेल कर सकते हो। उस ज़माने में तो बहुत कम लोग जो थे वो इम्पोर्ट किया करते थे कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स। अब तो यूनिक प्रोडक्ट्स आपको बहुत सारी मिल जाती हैं। इवन आप ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड क्लॉथिंग और बहुत सारी ऐसी ब्रांडेड चीज़ें जो है। अच्छा, ब्रांडेड पे ये है कि चाइना की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें हर्डल्स ये आती हैं कि अगर वो प्रोडक्ट आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो और आपने डिलीवर करवाया किसी आउटसाइड सिटी में कराची से बाहर, तो वो चाइना की प्रोडक्ट देखने में तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन जब वो डिलीवर होती है वो कस्टमर जब उसको हाथ में लेता है तो वो रिजेक्ट कर देता है या रिटर्न कर देता है कि उसने जो चीज़ देखी थी वो उसके मुताबिक उसको नहीं मिली। ब्रांडेड चीज़ों में ये होता है कि जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो जो चीज़ आप वेबसाइट पर उनको दिखा रहे हो वही चीज़ कस्टमर को जब डिलीवर होती है तो उसमें आपके रिटर्न के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर आप लोग फोकस करो। चाइना का कर सकते हो लेकिन चाइना प्रोडक्ट के लिए आप फिर अलग से एक डिपार्टमेंट बना दो कि जी उसमें सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट अवेलेबल हों।